क्या क्या करना चाहते हो इस दुनिया में, सबकी इच्छा क्या है? परम शांति हो जाए, ठीक ठीक क्या हो जाए, परम 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 शांति का अनुभव करें, परम परम खुश शांति के साथ खुशी भी मिले, सुख शांति का दोनों। अंत में एक सेकंड के लिए, अंतिम एक सेकंड सबको पता लगेगा हमारा बाप आया हुआ है, मगर हमारे भाग्य में इतना साक्षात्कार सारी दुनिया का अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड। एक वाणी में बोला, विश्व पिता विश्व में स्पष्ट दिखाई देगा, विश्व पिता विश्व में स्पष्ट दिखाई देगा। सारी दुनिया को अंत में स्पष्ट, अंतिम समय में, पहले नवला ब्राह्मणों के बीच में बाप प्रत्यक्ष होगा, फिर नवला तृप्त हो जाएंगे, अगर तृप्त उनको भी करना मुश्किल होगा, नवला रोएंगे चिल्लाएंगे आकर मच जाएगा बहुत, उसको उलाना भी बहुत मिलेगी, ये हमें क्यों नहीं पता चला, हमें क्यों नहीं बताया, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। इसलिए तो हर कितनी बार सीढ़ियां हमने भेजी है, कितनी बार बुके भेजी है, बुक भी बॉबी ने भेज दी है, सब कुछ खुदे रहते, हम भेजते रहते, अब उन्हें हर कोई लिटरेचर हमारा जाता है, ताकि उसको ये ना कहेगी भाई हमने साहब बताया मगर अंत में फिर संतोष ये होगा कि भाई अहो प्रभु तेरी लीला अप्रम, तेरी गति मति तू ही जाने। क्यों गति और मति, क्यों इतनी गति और मति, गति माना स्पीड, मति माना बुद्धि, बुद्धि की स्पीड कितनी होगी उसी टाइम, क्योंकि फिर अंत में होगा भाई तुम्हारे भाग्य में इतना ही था, तुमने मांगा ही इतना ही था, एक बुद्ध के प्यासे हम, क्या एक बुद्ध के प्यासे, और आप लोगों ने सारे सागर को, ज्ञान सागर को हप कर लिया, ज्ञान सागर को हप कर लिया, पूरे विश्व में एक सेकंड में साक्षात्कार करा ले, सब पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में साक्षात्कार। अगर इससे पहले दुनिया में कुछ अच्छी बात करके जाओ, अच्छी बात करो, पॉजिटिव हो, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, रोग शोक दूर हो जाए, सब कुछ खत्म, दुनिया दुखी है, दुनिया दुखी है। क्या चाहते क्या हो पहले, क्योंकि दुनिया में बहुत क्या क्या चाहिए, छोटी छोटी बातें भी तुम्हें संकल्प से आगे चलकर संकल्प करोगे ठीक हो जाए, संकल्प करो नेगेटिविटी तो बड़े रूप से ही खत्म हो जाए, मगर छोटी छोटी बातें हैं, ओवरऑल तो वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव आएगी, रोग शोक सुख दूर हो जाएगा, लोगों को कोई गरीब नहीं रहेगा, सब साहूकार बन जाएंगे। मगर अल्टीमेट जो इच्छाएं रही हुई सबकी, तुम जब तक इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनोगे, इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनोगे, तुम्हारे अंदर इच्छाएं होगी तो दुनिया में इच्छाएं जाएगी, तुम जो करोगे वो दुनिया करेगी, तुम जो करोगे वो दुनिया, तुम्हारे अंदर इच्छाएं भरी है तो दुनिया इच्छाएं करेगी। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि तुम जो करोगे वो दुनिया करेगी, बीज बीज सड़ गए तो दुनिया सड़ गई, तुम सुधर जाओ तो दुनिया सुधर गई, तुम्हारे अंदर इच्छा है तो दुनिया में इच्छा है। अब यहाँ तो सब वैरायटी फूल बैठे हुए, वैरायटी बीज है, सब वैरायटी है, सब वैरायटी है, सब
सब अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन सा फूल हूँ, कह रू गुलाब हूँ कि आपका फूल हूँ। कोई रूहे गुलाब भी होगा, कोई आपका फूल भी होगा, सब यहाँ आएंगे, सभी धर्मों के फूल आएंगे। बीज मनस्तु विशेष और बताओ क्या क्या चाहिए दुनिया को, क्या चाहिए? घर गृहस्थ वालों में बहुत परेशानी है, महिलाओं की बहुत आगे रखो, महिलाओं की इज्जत क्या हो, कन्या माताओं की पूजा हो क्या, ताकि ये जो अत्याचार हो रहा है तो बचेगा ना, कन्या माता की पूजा होगी तो अत्याचार बचेगा ना। पहले कन्याओं की पूजा होती थी, माताओं को लक्ष्मी कहते थे, कन्या माताओं की पूजा हो, दुराचार अत्याचार थम जाए, सब अपने आप सुधर जाए, कोट कचरे की जरूरत ना पड़े, सारे काले कोट वाले निकल जाए। काले कोट वाले भी क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, व्हाइट कोट भी निकल, सारे कोट ही निकल जाए, अपना ड्रेस नहीं है कोट, अपना तो ऐसा कुर्ता पायजामा पहन, स्कूल भी बंद हो जाए, कॉलेज भी बंद हो जाए, सोमेनशिप तो टोटल खत्म, सोमेनशिप मतलब सिंपल हो जाएंगे। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जरूरत है वो तो रहेगी, बाकी सोमेनशिप खत्म हो जाए। लोग दूसरों को खिलाएंगे पिलाएंगे खुश रखेंगे, भाग्य बनाने में लगेंगे, भक्ति मार्ग वाले भाग्य बनाएंगे, जैसे आज धर्म के स्थान पर लंगर लगते हैं ना, ऐसे हर जगह बड़े बड़े लंगर लगेंगे, तुम खाओ खाओ, सबको पास अपार धन होगा, वैभव होगा, सरकार के पास अपार धन होगा, वैभव होगा, क्या ब्लैक मनी तो सब खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी सब लाएगा, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, आएगा आएगा ब्लैक। मोदी तो दुनिया में नंबर वन जाएगा, अभी थोड़े झटके तो लगते हैं, अगर नंबर वन तो जाएगा। सब सब यहाँ ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, 9 लाख वाले जिस दिन जुड़ जाए तो वहाँ का काला ज्ञान धन खत्म हो जाएगा, व्हाइट ज्ञान धन आएगा तो सब अच्छा ही हो जाएगा। आप चंडीगढ़ से आए ना, अकेले आए, आपने फोन ज्ञान समझ में आया था, भाग्यशाली हो, कब से सोच रहा हूँ कि आपको कब देखा, कहाँ से आया पूछू, बहुत भाग्यशाली, अकेले एक ही, चंडीगढ़ से कितने आते थे, कैसे मन में आया आपके, ये कोई इलाहाबाद से आया, कोई इलाहाबाद वाला, कोई इलाहाबाद से कोई आया, नहीं आया, अच्छा क्या हुआ, ठंड लग रही, गर्मी तो पंखा करो कोई बात नहीं, वो सही, हाँ दोबारा बने, सोने की चिड़िया नहीं, अब उससे भी बढ़िया चिड़िया बनेगी, सोने की तो कम पड़ेगी, अब तो कोहिनूर की चिड़िया बनाएंगे, क्या डायमंड की चिड़िया, भारत तो सोने के स्वर्ग, भारत में असली जो हिंदू धर्म है उसके अंदर हिंदू जो कट्टरपंथी हिंदू है आज भी, वो 50 कला वाले हैं, 20 करोड़ लोग 50 कला वाले हैं, अब कट्टरपंथी हिंदू साधारण नहीं है, वो कट्टरपंथी हिंदू ऐसे नहीं बने, आज भी अपना धर्म न छोड़ दे, जान मर जाए धर्म न छोड़े, मर जाए मगर धर्म, ऐसे कट्टरपंथी हिंदू, ये तो हो जाएगा अंत में, सब धर्म एक ही धर्म हो जाएगा, एक बाप साक्षात 33 कोटि देवता आएंगे, सभी धर्म वाले भी झुकेंगे, सब धर्म पिता कहेंगे हमारा बाप आ गया, सब धर्म पिता ही कहेंगे हमारा बाप आ गया,
एक बात तो दुनिया में एक मत एक राज्य हो जाए, सारी दुनिया एक मत हो जाए, एक राज्य हो जाए, सारी दुनिया एक राज्य हो जाए, पासपोर्ट निकल जाएंगे, कहीं भी जाने का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, कहीं भी जाने का वीजा, दूसरे देश जहां भी है वहां सबको इंडियन की, हिंदुस्तान में हिंदुओं की बहुत बड़ी वैल्यू हो रही है, कट्टरपंथी जो हिंदू है बहुत बड़ी वैल्यू होगी। हाँ तुम हिंदू और इंडिया में जन्मे, बहुत बड़ी वैल्यू, भारत की, भारत के हिंदुओं की बहुत बड़ी वैल्यू होगी। वो तो अभी 108 के पुरुषार्थ के बाहर आ रहा है, 108 का 9 लाख का पुरुषार्थ चक्कर घूम रहा है, सेकंड आवर का घूम रहा है, तुम लोग 108 जितना पुरुषार्थ करो, कल भी हो सकता है, यहाँ बैठ के लाइट ऑफ करना है, कल भी हो सकता है, लाइट का साक्षात्कार इस बात का जो होता हमारे पास ही है, इसके पास तुम्हारे पुरुषार्थ पे आधार है, फिर तुम पुरुषार्थ ना करो, तुम पुरुषार्थ ना करो, घर में जाके भी माया में फंस जाओ तो क्या, डंडे खा के सुधरेंगे, देखो घर जाके कितना पुरुषार्थ कर, मगर समय तो नजदीक तुम नहीं लाओगे तो फिर समय पकड़ेगा, अब समय के तो मैंने बाउंड्री सीमा बंद कर दी, समय की सीमा मैंने तो कुछ तय कर ली है, मगर अभी आपको नहीं बताऊ, फिर आप बताओ अलबेले हो जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, मैंने तो कुछ अपने मन से तो समय सीमा नक्की कर ली है, इस सीमा में इतने समय में तो होना ही चाहिए, फिर बच्चे भी थक चुके हैं, दीदी दादियां भी बहुत थक चुकी हैं, यहाँ वाले भी थक चुके हैं, घर गृहस्थ में टंटा बहुत पड़ गया है, सब परेशान है, इसलिए जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए, इसलिए मैंने खुद अपनी स्पीड बढ़ाई, और मैं अपने पुरुषार्थ ज्यादा बढ़ाऊंगा तो बच्चों को ज्यादा पावर, मेरी तो कोई सुई नहीं मैंने ऊपर वाले को बोला है, अभी ऊपर वाले को बोला है कि तो अब तेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, थक गए हैं, तू जल्दी कर, अब ऊपर वाले को बोला है, क्या बीस कला वाले को बोला है, अब तेरे बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो तेरा मैसेंजर हूँ, क्या कहूँ उसको, क्या कहूँ तेरा मैसेज देता हूँ भाई, मगर तू जल्दी कर, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, मैं तो केवल ज्ञान देता हूँ, तेरा ज्ञान देता हूँ, मगर तू कर, जो करने वाला तू है, आकारी बाप को मैंने बोल दिया है, टू मच हो गया, टू मच अति हो गई, अति अति हो गई, जल्दी वो करा लेगा, मुझे उम्मीद है जल्दी करा लेगा, आकारी बाप को आप सबकी ओर से मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, इस कला वाले को रिक्वेस्ट कर दी है कि तेरे बच्चे थक चुके हैं, तेरे बच्चे अति दुखी हो चुके हैं, रव रव नरक में बैठे हैं बच्चे तेरे, अब तू जल्दी कर, सारी दुनिया में वो प्रत्यक्ष करेंगे, 9 लाख वाले सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करेंगे, 16,000 वाले 9 लाख में प्रत्यक्ष करेंगे, कौन बिचारे, बाप को ना पहचाना वो बिचारे, 9 लाख वाले, हाँ तुम बिचारे ही है ना, देखो एक बात बताऊ, तुम लोगों को तो डायरेक्ट मिल गया, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, आप लोगों को ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, ये तो इतनी जिंदगी भर से साड़ी, सफेद साड़ी पहन के डेज लगा के बेचारी, मगर भाग्य नहीं, भाग्य नहीं, क्या इतना ऊंचा भाग्य नहीं, क्या करो, ऊंचा भाग्य होता तो तुम्हारा भाग्य था तो तुम आगे, अरे क्या तुमने भी 40 साल रो रो के नहीं बिताए, इधर सा बचपन से रो रो के बिताए, बचपन से रो रो के बिताए तुमने, नहीं आपने भी बचपन से रोए तो हम भी बचपन से रो ही रहे थे, और क्या, हम भी कांटों के जंगल में थे, हम भी रो रहे थे, कुछ अता पता था ही नहीं, कैसे जिंदगी कट गई पता ही नहीं लगा, कैसे जिंदगी कट गई पता ही नहीं लगा, चला ये आश्रम को बनाए हुए कितना साल हो गए थे पता ही नहीं लगा, ऐसा लगता है जैसे कल बनाए, हाँ हुए 98 में आए थे लोग, 98 में आए 17 साल हो गए, 98 में आएंगे यहाँ 18 अध्याय पूरा हुआ,